अस्सलाम वालेकुम, बैक टू माय चैनल। क्या हो रहा है? आज मैं बना रही हूँ आलू कीमा। तेल हमारा गरम हो चुका है और अब मैं डालूंगी इसमें प्याज। प्याज में करूंगी सौते। प्याज सोते करने के बाद फिर इसमें करेंगे हम कीमा ऐड। आज काफ़ी लेट हो गया मेरा खाना, क्योंकि मैं जोड़िया बाज़ार गई हुई थी सामान लेने के लिए महीने का, तो इस वजह से काफ़ी लेट हो गया मेरा। आज चूल्हा मैं थोड़ा तेज़ करती हूँ। और सुनाएं, आज सैटरडे का दिन है, आप लोग क्या कर रहे हैं? जोड़िया बाज़ार गई, वहाँ से सारा सामान लेकर आई। दो सूट लिए मैंने। अभी मैं आपको खाना बनाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे सूट कैसे हैं, ठीक है? अब इसमें हम कीमा ऐड कर देंगे। कीमा 1.5 पाव है। इसको अच्छी तरह चलाएंगे। चलाने के बाद इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चमचे। चमचा मेरा छोटा है तो इस वजह से मैंने 3 चमचे डाले हैं, ठीक है? इसको अच्छी तरह चला लिया। इसमें मैं करूंगी अब टमाटर ऐड। टमाटर ऐड करने के बाद इसमें हम डालेंगे पिसी हुई मिर्चें 1, 2 और ये 2.5। 2.5 चमचे मैंने डाला है इसमें पिसी हुई मिर्चें। और इसमें अब मैं ऐड करूंगी हल्दी 1 चमचा लेवल करके। हल्दी डाल दी। हल्दी डालने के बाद इसमें हम करेंगे धनिया पाउडर ऐड। धनिया पाउडर डाल दिया 1 और 1/2, 1.5 चमचा। 1.5 चमचा डालने के बाद इसमें हम करेंगे नमक ऐड। नमक मैं हमेशा हाथ से डालती हूँ, क्योंकि हाथ से मुझे अंदाज़ा सही रहता है। नमक आपके टेस्ट के मुताबिक। अब मैं कीमा बना रही हूँ, अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इसके साथ रोटी बनाऊँ या चावल बनाऊँ। और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, बेल आइकन बटन दबा दीजिए और मुझे लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब लाजमी करें। मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लग रही है मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताएं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, आप भी, अपने घर वालों का, अपने बच्चों का, अपनी बहनों का, अपनी माँ का, अपने बाप का, सबका ख्याल रखें। ये अच्छी तरह मैंने सारी चीज़ इसमें ऐड कर दी है। अब मैं इसमें करूँगी पानी ऐड। पानी मुझे इतना ऐड करना है कि कीमा तो खैर फटाफट जल्दी से बन जाता है। ये मैंने थोड़ा सा पानी डाला है इसमें। इसको अच्छी तरह चलाएंगे। अब मैं इसको रख दूंगी 10 मिनट के लिए। बंद कर दिया मैंने, ठीक है? अब मैं आपसे 10 मिनट के बाद मिलती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। देखें नाजरीन, अब मेरा सालन भुनाई पे आ चुका है। अब मैं करूँगी इसकी भुनाई चूल्हा तेज करके। मैं बुनाई करके आपको बताती हूँ कि मेरा आलू कीमा, मेरी रेसिपी लाजमी ट्राई करें, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं और सब्सक्राइब का बटन लाजमी बताएं, दबाएं और लाइक करें। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो बेल आइकन बटन दबा दीजिए। मैं दुआ कर रही हूँ अल्लाह पाक बारिश ना हो, क्योंकि बारिश बहुत हो चुकी है
बहुत ज़्यादा गंदगी हो चुकी है। और आपका ना, आप कौन कौन मेरी वीडियो शौक से देखता है मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं मुझे। मैं कर रही हूँ उसकी अच्छी तरीके से भुनाई। भुनाई करने के बाद मैं इसमें डालूँगी आलू, आलू करके फिर और भुनाई करूँगी मैं इसकी। एक तो महंगाई इतनी हो गई है कि आप यकीन करें इंसान क्या खा ले और क्या ख़रीद ले। जोड़िया बाज़ार से सामान लाती हूँ मैं वहाँ पर, ये समझ लें, लेकिन यहाँ दुकानों से फिर भी बेहतर है। लेकिन वहाँ पर भी अब बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है जोड़िया बाज़ार में भी, लेकिन फिर भी फ़र्क है थोड़ा बहुत। अगर इंसान एक एक चीज़ के ऊपर 10-10 रुपये 20-20 रुपये बचाता है तो फिर भी बहुत बचत होती है। और आलू कीमा किस किस को पसंद है मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। मैं कर रही हूँ उसकी भुनाई। लेकिन सालन मेरा भुनाई हो चुका है बहुत अच्छी तरीके से और रोगन भी ऊपर आ चुका है। देखें आप कैसा लग रहा है कलर, देखें आप। अब मैं इस करूँगी इसमें आलू ऐड। आलू ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से चलाऊंगी। अच्छी तरह चलाने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी पानी आलू गलाने के लिए, और जितना आपको शोरबा रखना है इसका, ठीक है। मैं कर रही हूँ इसमें पानी ऐड। देखिए पानी ऐड कर दिया मैंने, अच्छी तरीके से चला रही हूँ। अब मैं इस पर ढकूंगी ढक्कन और मिलती हूँ आपसे 10 मिनट के बाद, और फिर बताती हूँ आगे का प्रोसीजर। और सुनाएं आपकी क्या मसरूफियात है। देखें मैंने बंद कर दिया है, सालन हमारा तैयार हो चुका है आलू कीमा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरी मिर्ची, हरा धनिया। ये आज हमारा सब्जी वाला आया नहीं है, हरा धनिया थोड़ा सा रखा पता है, मैंने ऐड कर दिया है क्योंकि बारिश की वजह से सब्जी वाले भी नहीं आ रहे हैं। और अब मैं ऐड करूंगी इसमें गरम मसाला, मज़ेदार कीमा तैयार है। मुझे लाइक करें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो बेल आइकन बटन दबा दें और मुझे सब्सक्राइब लाजमी करें जमीना साजिद ब्लॉग को। किस किस को आलू कीमा पसंद है मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। अल्लाह हाफिज़।